द रिपब्लिक प्रेस के पॉलिटिकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे हम पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहेंगे प्रियंका गांधी जी का। प्रियंका गांधी जी कल हनुमानगढ़ी गई और जिसपे भाजपा वालों ने बवाल मचाया कि वह अयोध्या क्यों नहीं गई, रामलला के जो मंदिर है वहां दर्शन क्यों नहीं करने गई। मुझे लगता है कि यहाँ जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार थे उन्होंने जानबूझ के ऐसी रणनीति बनाई थी कि प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी तो जाए लेकिन अयोध्या नहीं जाए। दूसरी तरफ भाजपा वालों की यह मजबूरी हो गई, जो भाजपा के रणनीतिकार थे, कि इसको वो मुद्दा बनाए कि प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी तो आई लेकिन अयोध्या नहीं गई। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है इसके पीछे बहुत ही सॉलिड कारण है कि प्रियंका गांधी की जो रणनीतिकार है वो एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों के बीच में कि वो जो हिंदुत्व आतंक की जो राजनीति है, हिंदुत्व की जो राजनीति है, राम मंदिर की जो राजनीति है, एक विध्वंसकारी राजनीति है, उससे वो दूर है और इसमें वो सफल हो गई, इसलिए वो हनुमानगढ़ी गई। हनुमान जी को वहां मंदिर है जैसा कि हमने सुना है, उसके दर्शन की, लेकिन अयोध्या नहीं गई। और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल एक स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, बिल्कुल एक क्षणिक रूप से नहीं हो गया कि ऐसा हो गया, बल्कि ऐसा बिल्कुल रणनीतिक रूप से था ताकि जनता के बीच एक मैसेज दिया जा सके। यहाँ पे भाजपा वालों ने एक जानबूझ के इस मुद्दे को उछाला और उनकी एक मजबूरी थी, उनकी मजबूरी थी यह दिखाना कि जो एक एक खास तबके की जो मेंटेलिटी है उसके वोट को कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। और इसके लिए तमाम सारे टीवी चैनल के उसने सहारा लिए, जो कि मुझे कहने में किसी को भी कहने में एक दुविधा नहीं होनी चाहिए कि सारे पेड मीडिया थे। कल जितने भी जो मीडिया चैनल देख रहा था उसके एंकर बार बार जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनसे पूछ रहे थे कि प्रियंका गांधी अयोध्या क्यों नहीं गई, और इस पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे कह रहे थे कि वो कहीं जाए या ना जाए या उनकी सदिच्छा है, उनकी स्व इच्छा है, आप किसी को कहीं गया या नहीं गया ना तो आप किसी को जाने के लिए कहीं बाध्य कर सकते हैं, न ही आप सवाल कर सकते हैं कि आपने वहां क्यों नहीं गए। दूसरी तरफ कांग्रेस जो भाजपा के जो लोग थे कांग्रेस वाले से पूछ रहे थे कि क्या यह उनकी राजनीतिक दौरा था। इस पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि प्रियंका गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी की एक पोस्ट होल्ड करती है और जाहिर सी बात है चुनाव का माहौल है तो सारे दौरे ही राजनीतिक है, चाहे कोई माने या ना माने, कहे या ना कहे। और यहाँ पे जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार थे उनकी एक सफलता मिली, सफलता उन्हें ये मिली कि वो यह देश में जो है मैसेज देने में कामयाब हो गए कि उनकी जो राजनीति है वो इस तरह की जो विध्वंसकारी राजनीति नहीं है और अयोध्या न जाकर उन्होंने यह साबित किया। लेकिन साथ ही साथ भाजपा भी मौका क्यों छोड़ दिया, और भाजपा ने कहा कि वहां नहीं गए, इस तरह से भाजपा जो है अपने जो वोटर जो है उसको ध्रुवीकरण करने में लगी। लेकिन भाजपा के जो वोटर थे उनके ध्रुवीकरण करने के चक्कर में कांग्रेस की तरफ बहुत सारे जो वोटर हैं वो ध्रुवीकरण हो गए, जो कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी के जो रणनीतिकार हैं उनकी यही इच्छा थी। आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स पर ध्यान दिया जाएगा, आपके कमेंट्स को पढ़े जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने परिवारों के साथ, अपने मित्रों के साथ। और जो कमेंट करें क्रिटिकल कमेंट करें, क्रिटिकल इसलिए कि द रिपब्लिक प्रेस भक्ति भाव को बढ़ावा नहीं देता है। धन्यवाद, हम जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।